उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस ने बाइक सवार से हुई लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीती 31 जुलाई को ओछा थाना क्षेत्र के पांडम तेरा के समीप पुलिस बैरियर लगा के चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने इन्हें शक के आधार पर रोका। पूछताछ करने पर खुलासा हुआ कि घिरोर थाना क्षेत्र के ग्राम बादशाहपुर निवासी अमित कुमार से रात के समय तमंचे की नोक पर एक मोबाइल और 10,000 की नकदी लूट ली गई थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9,000 की नकदी, 2 तमंचे, 315 बोर के और कई कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने खुलासा करते हुए युवक से गिरफ्तार बदमाशों की पहचान कराते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं आरोपियों का एक अन्य साथी फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। ये प्रकरण थाना ओछा जनपद मैनपुरी का है। यहाँ एक हफ्ता पहले 31 जुलाई की रात 11 बजे बॉर्डर पर ही एक घटना हुई थी, जिसमें एक अमित सिंह नामक व्यक्ति से 10,000 रुपये छीनने की वारदात हुई थी। अमित सिंह थाना घिरोर क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये जसराना से वापस लौट रहे थे और जसराना थाने की पाढ़म चौकी का बॉर्डर लगता है, वहीं पर उनसे 10,000 रुपये लूटे गए थे। इस घटना का संज्ञान लिया गया था और तत्काल ही मुकदमा दर्ज करके बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई थी। ओछा पुलिस ने आज दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश वहीं घटनास्थल के नज़दीकी गांव नगला दुर्जन के रहने वाले हैं। सुमेश और मुनेश इनके नाम हैं। इन बदमाशों के कब्जे से लूटे गए 10,000 में से तकरीबन 9,000 रुपया पुलिस ने बरामद किया है। वादी ने इनकी पहचान की है। वादी ने पूरी तरह से इनकी पहचान करके बताया है कि ये यही बदमाश थे और लूटे गए रुपयों के अलावा इन बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। इनका एक साथी भागकर बच निकला है, जिसका डिटेल पुलिस के पास आ गया, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। आज इन दोनों गिरफ्तार बदमाशों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।